मॉडिफिकेशन नहीं मिलेगी पूरे सहारनपुर में। 8 घंटे बेसमेंट का समय लग रहा, तुरंत गाड़ी उठाई, केदारनाथ निकल लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे ही दिसंबर खत्म होता जा रहा है, ठंड उतनी बढ़ती जा रही है। अभी टेम्परेचर आपको दिखाता हूँ कितना हो रहा है। टेम्परेचर हो रहा है 8 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें भाई मौसम की, तो मौसम आपको दिखा देते हैं। अरे हल्की हल्की धूप निकल रही है गाइस, अगर आपको दिख गया होगा। और ये हमारे कवर में ऐसे ही कपड़े पड़े रहते हैं, जैसे ही ऊपर तार पे से सूखते हैं वो सीधा यहाँ पे आते हैं, ऐसा ही हिसाब है यहाँ तो। और भाई धूप तो निकल गई, मौसम लगता है आज खुलेगा। वाह जी वाह, सूरज देवता। और भाई ये हमारी खाट पड़ी है, ये हमारा पन्ना पड़ा है, और भाई ये अपनी हंटर खड़ी है। इसमें मैं कुछ मॉडिफाई कराना चाह रहा हूँ, वो आपको बता दूँ। एक तो जब मैं दिल्ली गया था, उसके हैंड गार्ड लगवाने भूल गया, यहाँ पे लगते हैं। जिसको हैंड गार्ड पता है उसको तो पता ही होगा, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ। वो जो हवा रोकने के लिए होते हैं वो, और पूरे हाथ को कवर कर लेते हैं। ये पहले तो उसका मिरर खोलना पड़ेगा उसको लगाने के लिए, और फिर रेड कलर की लगवाएंगे अगर लगवाएंगे तो कभी भविष्य में। और दूसरी बात जो मैं सोच रहा हूँ कि 2-4 दिन में बदलवा दूँ उसको, वो है भाई इसके टायर। वैसे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसके टायर में कोई कमी नहीं है, कमी तो वैसे है ही नहीं इसके टायर में कोई, लेकिन मैं इसको कराऊंगा मॉडिफाई। ये ट्यूबलेस टायर है इसका गाड़ी का। इसका रीज़न क्या है चेंज करवाने का, ये बहुत स्लीपी है। अगर मान लो आप कहीं वैसे मौसम में जा रहे हो जहाँ बारिश बुरिश होगी, तो स्लिप तो ये ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे ये वाले टायर। लेकिन अगर मैंने इसको मॉडिफाई करा लिया तो थोड़ा कम हो जाएगा स्लीपी। और भाई बाकी कंडीशन तो इसकी एकदम ओके है, कोई कमी नहीं है इसमें। और दूसरी चीज़ है जो मैं इसमें अपग्रेड कराना चाह रहा हूँ, वो है इसका फ़ोन होल्डर। क्योंकि ये नॉर्मल वाला है, आपको दिख ही रहा होगा, और मेरे को चाहिए वाटरप्रूफ वाला। बाकी ऑन करके आपको दिखा दूँ। अरे लाइट ऑन कैसे है इसकी? अच्छा DRL है। ओहो दिन में क्या चमक मार रही है। बाकी भाई देख लो, 1718 तो यहाँ जोड़ लो आप, फोकस नहीं हो रहा। ये देखो 1718 किलोमीटर तो यहाँ चला दी, और अगर ट्रिप ए पे करेंगे तो 718 किलोमीटर यहाँ चला दी। जोड़ते रहना आप, क्योंकि मेरे को नहीं पता कितने हो गए। और ट्रिप बी में भी 186.2 किलोमीटर यहाँ पे चला दी। बस ये ऑडोमीटर। और एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, अगर आप कहोगे तो हटा देंगे, नहीं कहोगे तो उसको लगा रहने देंगे। जो इसका बाइक का DRL है, चाबी ऑन करते ही ऑन रहता है। अगर आप कहोगे तो उसको ऑफ करा देंगे। वैसे तो मैं सोच ही रहा हूँ कि ऑफ करा दूँ, लेकिन अगर आप कहोगे ऑफ कराने के लिए तो ऑफ करा देंगे, नहीं तो फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे। एक बार आपको दिखा दूँ मैं, ये देखो ये इसका ऑरेंज DRL है ना, ये चाबी ऑफ करूँगा तो ऑफ हो जाएगा, ऑन करूँगा तो ऑन हो जाएगा। अगर ये ऑफ कराना है तो मेरे को बता देना आप, इसको ऑफ करा दूंगा मैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे ग्लव्स हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद हैं। इतने रात को तो नहीं फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि रात को तो भाई आपको पता ही है हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, सुन्न। बाकी ये अपनी दूसरी वाली गाड़ी खड़ी है, इसमें भी कल टंकी फुल कराई थी। टंकी क्या, इसमें 200 का तेल डलवाया था। आप कह रहे हो तुम तो बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। ओहो क्या स्मेल है पेट्रोल की। ओहो, और भाई पीछे से अपनी गाड़ी ऐसी दिखती है, जो कि मुझे लगता है सहारनपुर में एक अकेली गाड़ी है जो मॉडिफाई करा रखी है मैंने पूरी। मैंने बहुत हंटर देखी है, मतलब है सहारनपुर में हंटर, मैं ये नहीं कह रहा कि हंटर नहीं है, लेकिन ये मॉडिफाई बाइक सिर्फ एक ही है। मैंने जितने भी हंटर देखी है वो सारी कंपनी वाली हैं, वो कंपनी से जैसे निकलती है वैसी है। लेकिन भाई इसकी तो लुक अलग ही है। अगर जो सहारनपुर से मेरा व्लॉग देख रहा है, अगर उसको कहीं पे भी ऐसी बाइक दिखो मॉडिफाई वाली, कलर तो मिल जाएगा लेकिन ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं मिलेगी पूरे सहारनपुर। अरे ये क्या हो रहा? बैठी सॉरी। हाँ उठना नहीं, अभी तो सो कर उठो, बैठे बैठे फिर सो रहे। उठ जाओ फिर जल्दी।
ये एक टैलेंट है और ये ऐसा टैलेंट किसी किसी के अंदर ही होता है। मम्मी की एक बहुत खास बात है, अगर मम्मी को मैंने अभी उठा दिया ना तो तुरंत एक मिनट के अंदर सो जाएगी। मतलब इतनी नींद कहाँ से किसको आ सकती है यार। और भाई ये हो तुम्हारा भाई जो कि पूरा कवर हो चुका है आज। केले हैं, लड्डू हैं और नीचे चावल चुवल रखे होंगे। ये देखो, दरअसल ये लड्डू आए हैं बुआ के यहाँ से, क्योंकि बुआ की लड़की की शादी हो रही है तो ये भेल्दी में सामान आया है। जिसको भेल्दी नहीं पता मैं बता दूँ, हमारे हिंदू धर्म में एक रिवाज होता है जब कभी शादी होती है पहले तो बुआ के यहाँ से भेल्दी आती है, भेल्दी में यही सामान आता है। अभी मैं देख रहा था केदारनाथ का रास्ता कहाँ कहाँ से होकर जाता है। अगर कभी भविष्य में प्लान बना केदारनाथ का तो रास्ते में थोड़ी आसानी हो। सीधा तो रास्ता नहीं है केदारनाथ का, हमको जाना पड़ेगा सिर्फ सोनप्रिया नहीं गौरीकुंड तक जाना पड़ेगा हमको। गौरीकुंड से आगे का जो रास्ता है वो पैदल का रास्ता है, पैदल जाएंगे वहाँ से। ये देखो मैप में तो देखने में छोटा सा लगता है लेकिन भाई अगर आप इसका किलोमीटर देखोगे ना, 8 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है और 290 किलोमीटर ही मान लो सहारनपुर से। आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, आपको सीधा केदारनाथ का व्लॉग दिख जाएगा। बस 1000 सब्सक्राइबर की वेट है मुझे। जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे तुरंत गाड़ी उठाई, केदारनाथ निकल लिए। ये केदारनाथ का टेम्पल है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ये भी है। तो इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय।